हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल दीप्तीस वर्ल्ड मेरी दुनिया। कैसे हो आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो चलिए शुरू करती हूँ हमारा आज का ब्लॉग। हम जा रहे हैं आईना महल, तो उसके लिए सबसे पहले पकड़ लिए हमने ऑटो, बिकॉज आज जीजू काफ़ी बिजी थे और वो हमें लेके नहीं जाने वाले थे, तो हमने पकड़ ली ऑटो और अब जाते हैं खुद से घूमने के लिए। आज हम खुद से घूमेंगे। तो निकल गए हम घूमने के लिए और यहाँ के बारे में हमें ज़्यादा कुछ पता नहीं था, तो हमने नेट पे सर्च किया। नेट पे सर्च करने के बाद हमें पता चला कि यहाँ पर महल है, आईना महल एंड प्राग महल। तो आज हम लोग वहीं जा रहे हैं। जाते वक्त हमें रास्ते में बहुत सुंदर लेक मिली, जिसको हमने शूट भी किया, शूट करने की कोशिश की, वो सही से शूट भी नहीं हुआ। सो चलो चलते हैं। सो हम लोग पहुँच गए हैं महल और यहाँ आके हमें पता चला है कि प्राग महल और आईना महल दोनों पास पास में ही हैं। तो चलो चलते हैं, घूमते हैं। प्राग महल और आईना महल दोनों साथ में घूमते हैं। पहले हम आईना महल जाएंगे, जो कि एक्चुअली में हम घूमने आए हैं, उसके बाद फिर हम प्राग महल जाएंगे। चलिए घूमते हैं। सो फ्रेंड्स, ये है प्राग महल। मैं अपनी लाइफ में फर्स्ट टाइम कोई महल देख रही हूँ लाइव अपनी आँखों से, वरना आज तक तो सिर्फ टीवी में ही देखा है। सो ये महल हमें आईना महल के पहले मिला था। आईना महल भी इसके जस्ट बगल में ही है, बट ये महल हमें पहले मिल गया, आईना महल इसके बाद है। आईना महल और प्राग महल दोनों ही भूकंप में जर्जर हो गए थे। सो यहाँ पे ये जर्जर महल है, जिसकी अभी शायद दोबारा से मरम्मत हो रही है। यहाँ महल में भी एक छोटा सा मार्केट लगा हुआ था, इसमें बच्चों के खिलौने एंड गॉगल्स और भेलपुरी वगैरह थी। एंड इसके साथ ही यहाँ पे फ़ोटोशॉप भी थी, और जैसे कि गुजराती गेटअप लेके अगर आप फ़ोटो क्लिक करवाना चाहते हैं तो उसके लिए भी यहाँ पर फ़ोटोशॉप है। एंड इसके अलावा भी यहाँ पर पास में थोड़ा मार्केट है, जैसे उस पर एयर रिंग्स, एंटिक पीस, कपड़े, गुजराती, मतलब गुजराती कल्चर से रिलेटेड, कच्छ कल्चर से रिलेटेड वहाँ पे मटेरियल, यहाँ पे मटेरियल मिल रहा है। सो गाइस, ये है आईना महल। आईना महल जहाँ पहुँचने के बाद मेरा सबसे पहला सवाल था कि ये कैसा आईना महल है, या तो कांच ही नहीं है, मतलब खिड़कियों में तक कांच नहीं है, आईना तो दिख ही नहीं रहा कहीं। जब आईना महल में आईने ही नहीं है तो फिर आईना कैसे, पता नहीं कैसे नाम रखा आईना महल, शायद पहले हूँ, गॉड नोज, बट अभी नहीं थे। एंड आईना महल में भी उसका अपना सेपरेट एक छोटा सा मार्केट था। यहाँ आईना महल में हमें एक म्यूज़ियम मिला, एंड आईना महल में फ़ोटोज़ एंड वीडियोज़ बनाना अलाउड नहीं था, एक्चुअली मोबाइल ही अलाउड नहीं था। सो हम लोगों ने वहाँ कुछ भी कैप्चर नहीं किया अंदर जो म्यूज़ियम था, बट वहाँ पर सामान, मतलब जो एंटिक पीसेस रखे थे वो काफ़ी अच्छे थे, जिनमें हमारे इतिहास के बारे में जानकारी मिल रही थी, या यूँ कहें हमारे इतिहास की चीज़ों को हमें देखने का मौका मिल रहा था। सो ये आईना महल के बाहर, मतलब जो म्यूज़ियम के बाहर का एरिया था, वहाँ का नज़ारा है। यहाँ शायद गार्डन वगैरह रहा होगा पहले के ज़माने में, गॉड नोज़, अभी तो यहाँ सिर्फ खुला मैदान और पेड़ वगैरह थे। सो हमने बाहर थोड़ा बहुत घूमा, एंड उसके बाद फिर हम लोग बाहर निकल आए। यहाँ पर ये जो पीछे दीवारों की नक्काशी थी, वहाँ पे खड़े होकर दीदी ने कुछ पिक क्लिक करवाई। एंड उसके बाद फिर ये तोप जो हमें एंट्रेंस पे मिली थी उसको शूट किया। आईना महल में जाते टाइम सबने अपने जूते चप्पल निकाल दिए थे, जो कि देखिए बाहर रखे हुए हैं। तो यहाँ से हम निकले, एंड यहाँ पर देखिए आईना महल में जो अपना खुद एक पर्सनल उनका जो मार्केट लगा हुआ था, उसमें भी हमें गुजराती कल्चर सब देखने को मिल रहा था। और ये है आईना महल का क्लॉक टावर। मैं यहाँ पर सोच रही थी कि यार इसमें सेल कैसे डालते होंगे, बट घड़ी शायद बंद है। और ये आईना महल के बाहर का वो जर्जर हिस्सा, जो कि भूकंप में टूट चुका था। इस एरिया में जाने की किसी को भी परमिशन नहीं है, यहाँ पे कोई नहीं जाता है, बस यहाँ पे मरम्मत का काम चल रहा है। एंड ये पुराने ज़माने के सिक्के, एक का सिक्का है जो कि 1976 का है, और इसी के साथ ये यहाँ पर आधा पैसा है जो कि 1939 का है। मुझे लगा था शायद ये आधा पैसा अठन्नी होगी, पर ये नहीं, आधा पैसा है। और यहाँ पर हमें सिर्फ ब्रिटिश कॉइन नहीं बल्कि मुगल एम्पायर के कॉइन भी देखने को मिले। इन्हें देखने के बाद ना मन में ख्याल आ रहा है कि ये तो बहुत छोटे हैं, आज तक सिर्फ टीवी ड्रामा एंड मूवीज़ में ही देखने को मिले थे अशरफियाँ एंड ऑल, पर उनका साइज़ इनसे अलग और बड़ा लगता था। मुझे लगता था उनके कॉइन भी बड़े होते होंगे, बट ये काफ़ी छोटे थे और ग्रीन कलर के थे, ऐसे लग रहे थे जैसे पत्थर के हों। वेल, लाइफ में फ़र्स्ट टाइम मुझे ये देखने को मिले और काफ़ी अच्छा लगा। वैसे राजा महाराजाओं के ज़माने की चीज़ें देखने का बड़ा मन था। सो फाइनली आज शुरुआत हो गई है यहाँ से, एंड देखते हैं मुझे और क्या क्या देखने को मिलता है राजा महाराजाओं के ज़माने का। मेरे यहाँ पर ये सिक्के थे जो कि काफ़ी सारे थे, यहाँ पर हमें एक आना, आधा आना,
इंडिपेंडेंट के बाद भी जो कॉइन चले थे वो थे। ब्रिटिश एम्पायर के जो कॉइन्स हैं उनको यहाँ पर देखिए एक सर्टिफिकेट या फ्रेम करके रखा हुआ है। यहाँ पे जो एंटिक कलेक्शन है उसके अंदर ये सब रखा हुआ है फ्रेम करके। और यहाँ पर ये बेल्स हैं जिन्हें कितने सुंदर और अलग अलग तरीके से बनाया गया है। इसी के साथ बढ़ चलते हैं प्राग महल की ओर और देखते हैं कि प्राग महल कैसा है। प्राग महल अभी ये शायद इनकी राज्यसभा है, बैठक हॉल। सो ये है प्राग महल की बैठक अकॉर्डिंग टू मी, बिकॉज यहाँ पर ये चेयर्स वगैरह जो लगे हुए हैं उससे तो यही लग रहा है कि ये बैठक है। एंड यहाँ पर और भी काफ़ी सारे लोग हैं जो हमारी तरह यहाँ महल घूमने आए हैं। यहाँ पर काफ़ी अच्छी नक्काशी बोल सकते हैं, एक्चुअली क्या बोलते हैं वो मुझे इस वक्त याद नहीं आ रहा है, अगर कुछ और बोलते हों तो। सो मेरे अकॉर्डिंग नक्काशी बोल सकते हैं कि यहाँ की जो नक्काशी है वो काफ़ी अच्छी है। और पिलर्स के ऊपर जो है एक स्टैचू लगा हुआ है जैसे छत का भार अपने ऊपर ही लिए हुए हैं ये। एंड ये है रानी सा के कपड़े जिनमें हमें यहाँ पर सिर्फ उनके लहंगे के ब्लाउज कोटी एंड चुन्नी ही दिख रही है। वैसे लहंगा कहाँ गया, ये खैर छोड़ो, शायद कहीं और रखा होगा। और ये है शेर एंड आई डोंट नो असली है या नहीं, क्योंकि यहाँ पर जो अटेंडर हैं वो बोल रहे हैं कि ये असली है, इसलिए तो फ्रेम करके रखा है। बट भाई मुझे तो बहुत ट्रस्ट इशू है, सो आई डोंट बिलीव हिम कि ये रियल है। रिद्धू शेर के साथ फोटो खिंचवानी है, ए बाहर निकल आएगा, बाहर निकल आएगा, काट लेगा। और यहाँ पे हो रहा है रिद्धू का फोटो सेशन। ये है कच्छ स्टेट और इसकी क्या बोलते हैं कॉइन्स, ओके, दाबू, डिंगोर, ढोकरा, तैम्बोर, कोरी, त्रियो, पगड़ी एंड व्हाट इज दिस, महाराज के कपड़े और तलवार। ढाल नहीं रखी यार, महाराज के पास ढाल नहीं थी, ये रखी तलवार, ये रखी। रिद्धु स्वर्ग से धार गए। और यहाँ पर हमने फिर से क्लिक की कुछ पिक्चर्स एंड उसके बाद फिर हम यहाँ से आगे बढ़ गए। रिद्धु अंदर नहीं जाना, रिद्धु 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 बाहर आओ, बाहर आओ, अंदर नहीं जाना। यहाँ पर कुछ रिस्ट्रिक्टेड एरिया भी हैं जिनमें अंदर जाना मना है और उन्हें ब्लू पट्टी से कवर किया गया है। ये कौन है? हेलो, नॉक नॉक, कौन हो आप? पता नहीं बिट्टू, समझ में नहीं आ रहा, गेंडा है, जंगली सुअर है, कौन है समझ में नहीं आ रहा है। मगरमच्छ है भाई, स्टोरी लगा देंगे, जिसको भी समझ में आए कौन है बता दे हमें। ये है डाइनिंग टेबल, थोड़ी छोटी नहीं है, टी टेबल है। अच्छा टी टेबल है। एंड ये है मिरर जहाँ से राजा जी अपने ऊपर उड़ने वाले ऊपरी हम लोग को नोटिस करते थे। इट्स जस्ट अ जोक, सीरियसली मत ले लेना। और यहाँ पर दी एंटीक झूमर का फोटो ले रही हैं जो कि मैं दिखाऊंगी कि ये कैसा आया है। सो देखिए कितना सुंदर लग रहा है ये झूमर और इसका फोटोग्राफ। यहाँ पे है हम, से हाय टू एवरीवन, जल्दी से कमेंट में सब लोग हाय बोलिए। यहाँ पर है ये पालकियाँ जो कि रिस्ट्रिक्टेड एरिया में रखी हुई हैं, हम उन्हें सिर्फ देख सकते हैं, छू नहीं सकते। और यहाँ पर कुछ फोटोज़ भी हैं राजा प्राग महल जी एंड उनके कुछ फ्रेंड्स के साथ। द चैम्बर ऑफ प्रिंस नरेंद्र मेडल दिल्ली फरवरी 1928। होए 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 होए, असली है, अभी तक खराब नहीं हुई, इसे तो उसमें भी नहीं रखा, क्या बोलते हैं वो केमिकल्स में, केमिकल्स में दी संदूक, खजाने वाला संदूक। और ये है पुराने जमाने की एलमिराज
जिनका ट्रेंड दोबारा लौट के आ गया है। एंड ये शायद फूलदान जिनमें हम अभी वाटर बॉल्स रखते हैं। और यहाँ पर एक मंदिर और महल का मॉडल है जो कि महारानी प्रीति देवी को ट्रिब्यूट किया गया है। प्राग महल 19वीं सदी का महल है और इसका नाम राव प्राग महल जी द्वितीय के नाम पर रखा गया है, जिन्होंने इसे बनवाया था। वैसे 2001 के भूकंप में ये महल काफ़ी क्षतिग्रस्त हो गया था, जिसके बाद इसे भूतिया भी कहने लगे थे। और ये सब ना मैं नेट से सर्च करके बता रही हूँ, ये मत सोचना कि मैं कुछ भी मन से ही बोले जा रही हूँ, ओके। और ये है राजा प्राग महल जी एंड उनकी वाइफ रानी प्रीति देवी। और ये रहा उनका लहंगा जो कि हमें हॉल में नहीं मिला था। एंड ये है बकरा गाड़ी, सीरियसली घोड़ा गाड़ी बैलगाड़ी सुनी थी, आज बकरा गाड़ी भी देख ली मैंने। महारानी श्री प्रीति देवी साहिब ऑफ कच्छ, ये हम हैं, ये द्वारिकनाथ भगवान है, वेट शंभो द्वार, जय श्री कृष्णा। एंड ये है अगेन ड्रेसिंग टेबल, ये है जानवरों की दांत और उनसे बनी हुई चीज़ें, पता नहीं क्या क्या है पिक्चर। और ये है गहनों का डिब्बा जिसमें हमें गहनों की जगह सम टाइप्स ऑफ की एंड शंख मिले हैं। एंड अगेन सम एंटिक पीसेस लाइक हेड कप कलश नाइफ एंड अलार्म क्लॉक एंड एट्सेट्रा। और यहाँ पर है खड़ाऊ एंड आई थिंक चांदी की थाली एंड कटोरी एंड ऑल्सो सम मटेरियल। और ये पिक्चर्स फिर से, और ये है मोर का चामर जो कि नवरात्रि पूजा के लिए लाए हैं, बट आई डोंट नो अबाउट चामर कि ये क्या होता है। और ये है बैट एंड एक सर्टिफिकेट ऑल्सो, मे बी ही वॉज अ क्रिकेटर। नीचे तलघर भी है जहाँ जाने का रास्ता बंद है, हम जाएंगे भी नहीं। यहाँ पर है लकड़ी की सीढ़ियाँ। और यहाँ पर लगाई गई है कुछ पिक्चर्स जो कि हमारे इतिहास से रिलेटेड हैं, जैसे अहिल्या बाई जी एंड शकुंतला एक्सेट्रा, शायद वो लोग। ये कुछ फोटो फ्रेम्स हैं शायद डेकोर के लिए आए, ऑब्वियसली। ये देखो अमिताभ बच्चन जी की फोटो, अमित जी भी हमारे तरह प्राग महल घूमने के लिए आए थे। और यहाँ पर है ये बच्चों का पालना जो कि सिर्फ आजू बाजू से है, बीच का पोर्शन गायब है। एंड ये है पुराने ज़माने की स्टडी टेबल जो कि आज तक हम सिर्फ हिस्टोरिकल सीरियल्स में ही देखते आए हैं। यही वो टेबल है जिस पर रानी सा राजा जी को पत्र लिखा करती थी। थिंक ये है पुरानी नक्काशी जो कि भूकंप की वजह से टूट गई है, इसको दोबारा वैसा का वैसे बनाने की कोशिश की जा रही है। ये भूकंप के दौरान टूटा हुआ महल, छज्जे और खिड़कियाँ। ये मंदिर है, यह शिल्प कला। और यहाँ पर है आईने जहाँ पे देखो दीदी और रिद्धू बच्चे बन गए हैं, एक्चुअली सचमुच बच्चे बन गए, देखो हाइट कम हो गई है इनकी। शक्ल अजीब हो गई दीदी, चेहरा देखो कितना बड़ा बड़ा हो रहा। साइड में जाने में शक्ल छोड़ी हो रही है, हाँ बीच में आने में पतली हो रही है। ये ऐसा ना, ये इंदौर के जूम, इसमें तो हम दिख ही नहीं रहे। ये देखो इसमें तो हम दिख ही नहीं रहे, इसमें ना नीचे चले जाते हैं फिर ऊपर आ जाते हैं। ये क्या, मेरा हाथ दिख रहा है, हाथ। OMG रिद्धु हट, रिद्धु के हाथ देख, रिद्धु के हाथ। नीचे से लंबा है ये, नीचे से लंबा। इसमें हम दो और यहाँ पर हम लोग हैं पागल, आईने के साथ मस्ती कर रहे हैं। यहाँ पे लग रहा है आईना महल के सारे आईने निकाल के यही जगह, इसलिए वहाँ पर नहीं।
दो के बराबर हो गई, शाहरुख खान बन गए दीदी बोना। कैमरे में इतना नहीं समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है। जीरो 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 के बबुआ हो गए। ये क्या हो रहा है, ये कैसी एडिटिंग है, ये तो हमें भी नहीं आती। रितु को तो देख कैसी आ रही है। और ये हमारा आईने वाला सेक्शन कंप्लीट हो गया है और हम लोग अब आगे बाहर जा रहे हैं क्लॉक टावर के पास। ओ, इसका शिकार हुआ है, ये रखा है नीचे। तो ये है क्लॉक टावर यानी कि घंटा घर। यहाँ से हम पूरा भुज देख सकते हैं। वैसे परमिशन तो है बट पता नहीं कहाँ से जाते हैं, सो हम नहीं जाने वाले। फर्स्ट टाइम कोई महल घूमने आई हूँ। घूमना तो वैसे ग्वालियर का किला था जो कि मैं जा ही नहीं पाई। तकरीबन 7 साल पहले प्लान बनाया था कि मैं जाऊँगी जाऊँगी जाऊँगी, अब पहुँचे ही नहीं। हाय हवा चली, हवा मस्तानी उड़ गए। और ये ऋतु उड़ गई, उड़ी चली हवा मस्तानी। और ये ऋतु ने मेरी उड़ने वाली बात को कुछ ज्यादा ही सीरियसली ले लिया है। और देखो वो उड़ रही है पापा की परी बन के। और यह है घंटा घर के पास से महल के बाहर का नज़ारा, जहाँ से हमें तकरीबन सारा बाहर का पोर्शन देखने को मिल रहा है। और वो छठी कृष्ण महल जो है वो भी देखने को मिल रहा है। कुआ अंगना में कुआ है, कुआ में पानी है, पानी में डूब मरूं। रानी का फेवरेट गाना, रानी का फेवरेट गाना, सैया ने तेरी जब पकड़ी ना भैया तो बोलो तू क्या क्या करेगी, क्या क्या करेगी। अगेन सम पिक्चर्स जो कि रिद्धु को कुआं दिखाते टाइम फोटो क्लिक की। रिद्धु कुआं दिखाया जा रहा था, रिद्धु पूछ रही थी कि कहाँ है कुआं, उसे दिखाई नहीं दे रहा था, उसे वही दिखा रहे हैं। हाँ देख लिया कुआ। और ये है महल के बाहर का पोर्शन दूसरी साइड का, जहाँ से हमें स्वामीनारायण मंदिर भी दिखाई दे रहा है। स्वामीनारायण मंदिर यहाँ पर काफ़ी बड़ा और काफ़ी अच्छा बना हुआ है, एकदम वाइट कलर का। हमें जाना है घूमने, वहाँ भी जाएंगे घूमने, बट अभी यहाँ पर हैं सो फोटोज़ क्लिक करते हैं। तो चलिए इट्स अ फोटो टाइम। और देखो हमारी रिद्धु को यहाँ भी दोस्त मिल गया। सो महल घूमना हो गया है और अब हो गया है वापस जाने का टाइम। जाते हैं और देखते हैं अब कहाँ घूमना है। सो बाहर जाने के लिए हमने पकड़ ली हैं सीढ़ियाँ, और बाहर आने के बाद हमने फिर से क्लिक करवाई कुछ पिक्चर्स महल के साथ, महल के सामने। सो अभी हमने फिर से पकड़ लिए ऑटो एंड अब हम जाने वाले हैं राजेंद्र पार्क घूमने। ये पार्क झीलों के बीचों बीच बना हुआ है, सो हम वहीं घूमेंगे। और ये यहाँ पे मेन गेट तो बंद है, देखो खुफिया रास्ता है, वहाँ से दीदी निकल के जा रही हैं, हम भी वहीं से जाएंगे अभी। ये आ गए हम लेक के पास। और ये देखिए यहाँ पे ब्रिज बना हुआ है, कितना सुंदर लग रहा है, मतलब लेक के बीचों बीच ब्रिज है। तो हम लोग आ गए हैं राजेंद्र पार्क और देखिए तो कितना ब्यूटीफुल व्यू है। इस तरफ भी लेक है, आपको दिख रही होगी मेरे पीछे, एंड इस तरफ भी लेक है, मतलब दोनों तरफ पानी है, बीच में एक ब्रिज बनाया हुआ है जहाँ से होके अभी हम पार्क के लिए जा रहे हैं। मतलब मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ, बड़े तालाब की याद आ गई। बट सच बताऊँ तो पानी से मुझे डर भी लगता है और यहाँ डर भी काफी लग रहा है, पर व्यू बहुत सुंदर है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। बहुत ठंडी हवा चल रही है यहाँ पर, एकदम मस्त वाली। इतना रास्ता हम पार कर आए हैं, मैं थोड़ा सा और आगे जाना है पार्क तक पहुँचने के लिए। आप देख पाएंगे मेरे पीछे पार्क है, ज्यादा दूर नहीं है, थोड़ी दूर और है। वाओ क्या है, व्हाट इज दिस, आई थिंक मस्जिद वगैरह है, कुछ कोई मस्जिद लग रही है मुझे तो।
उसका आर्किटेक्ट देख के मस्जिद ही लग रही है। और ये ब्रिज पे से लेक में जाने के लिए सीढ़ियां भी बनी हुई हैं। जो ज्यादा पानी का दीवाना हो यहाँ जा सकता है, मैं तो नहीं जाने वाली थी। और ये यहाँ पे है कांस के फूल जो कि लगभग सूख से गए। अच्छे तो बहुत लगते लेकिन मैं बिल्कुल उतर के नहीं जाऊंगी लेने के लिए। कैसा ना हो कांस के फूलों के चक्कर में हमारी सांस ही चली जाए। अरे दीदी ने ले लिए कांस के फूल पर आगे से ये जो टूटा हुआ है इसको ना एक्चुअली ऐसे निकल नहीं रही है, निकल गए। क्या कर रही है? उड़ा रही हूँ। एंड यहाँ पे आके तो ये वाकई में कपल पॉइंट वाली फीलिंग दे रहा है। हाँ रील्स बना सकते, एक्चुअल में कपल पॉइंट ही है ये। काँव काँव कौवे उड़ गए, ये एंट्री यहाँ से हम एंटर हुए हैं। एंड अभी हम जा रहे हैं नदी किनारे, वहां देखेंगे। और ये देखो हमारी दीदी बच्ची बन गई है, ये और यहाँ पर हमें मिले प्यारे प्यारे पपीज जिनसे देखो डर लग रहा है फिर भी दीदी प्यार जता रही हैं रिद्धू की वजह से। और ये देखिए हम पहुंच गए हैं तालाब के पास। और यहाँ से देखिए हमें हर तरफ दिख रहा है पानी ही पानी। आ गई ना बिल्कुल भोपाल के बड़े तालाब की याद। यहाँ से देखिए हमें पानी के पार प्राग महल भी दिखाई दे रहा है और चारों तरफ पानी ही पानी। कितना सुंदर लग रहा है सब कुछ। एंड इसी के साथ सबसे ज्यादा सुंदर लग रहा है यहाँ का सनसेट। देखिए मैं आपको दिखाती हूँ कितना सुंदर लग रहा है, मतलब पानी पेड़ पौधे और ऊपर से सूर्यास्त, कितना अच्छा लग रहा है। राजेंद्र पार्क एंड प्राग महल के बारे में हमें नेट से पता चला था। एक्चुअली हम घर में बैठे बैठे बोर हो रहे थे, सोचा क्या करा जाए, तो फिर हमने नेट पर सर्च किया कि भुज में घूमने लायक जगह कौन कौन सी हैं। सो वहाँ पर सर्च करने पर हमें पता चला कि आईना महल, प्राग महल, राजेंद्र पार्क, स्वामीनारायण मंदिर और भी बहुत सारी जगह थी। अब देखती हूँ आगे कहाँ कहाँ घूमने जाना हो पाता है, फिलहाल यहाँ हूँ तो यहाँ इन्जॉय करती हूँ। और अभी हम यहाँ पे बहुत देर से बैठे हुए थे, काफ़ी अच्छी जगह है। एक्चुअली बोल रहे तो कपल्स पॉइंट है, कपल्स पॉइंट बोल सकते हैं। लेक के पास पेड़ पौधों के बीच काफी अच्छा अकेलापन। वैसे यहाँ पे शायद लोग गर्मियों में आते होंगे, काफी ठंडी हवा चल रही है बहुत ही अच्छी वाली, तो लोग सर्दियों में तो शायद ही आते हों बट गर्मियों में जरूर आते होंगे यहाँ पे ठंडक लेने के लिए, क्योंकि यहाँ पे काफी ठंडक है। सो अभी काफी बैठ लिया है, बैठ के खूब सारी बातें भी की, गपे शपे किए, रील्स बनाए, वीडियोज बनाए। एंड अब हम लोग जा रहे हैं घर, मार्केट में देखते हैं थोड़ा बहुत काम में निपटाएंगे, देन उसके बाद घर जाएंगे। सो घर जाते हैं, मिलते हैं आपसे अपने अगले ब्लॉग में, अगले वीडियो में। ये ब्लॉग कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज, बाय बाय, स्टे हैप्पी एंड हेल्दी, बाय।